देश की जिंदा जवानी मौन क्यों धारण किया रे, देश की जिंदा जवानी मौन क्यों धारण किया रे। हर भुजा में शौर्य का आह्वान होना चाहिए और धर्म रक्षा की प्रबल प्राणित प्रतिज्ञा के लिए भुजदंड में गांडीव का संधान होना चाहिए। प्रज्ञवाणी यज्ञ की प्रज्ञान ज्वाला प्रज्वलित हो, प्रज्ञवाणी यज्ञ की प्रज्ञान ज्वाला प्रज्वलित हो, या रगों में रक्त का तूफान होना चाहिए। अरे देश की जयकार हो या तालियों की गड़गड़ाहट, धड़कनों का घोष हिंदुस्तान होना चाहिए। जब वतन की अस्मिता ही ढोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं, और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीष होकर विद्वत मन सहित शबरी के नारायण के धरा पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे थोड़ी सी ये हलचल रोकनी पड़ेगी, जब भी मैं काव्य पाठ कर पाऊंगा, क्षमा करिएगा। जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, जिनको जाना है, मैं चाहता हूं वो निकल जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब काव्य कवि सम्मेलन हो चुका, अब केवल वही लोग रुके हैं जो कविता सुनना चाहते हैं, कवि सम्मेलन का काम निपट गया। जिनको निकलना है निकल जाए, निवेदन करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोले श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बाहर नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योडी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। देखो, इन लोगों का यहां पर होना तो वाजिब है, ये प्रेस क्लब के परिवार के लोग होंगे। हाँ, समझ गया मैं, प्रेस क्लब वालों को मैंने कहा कि एक कॉफी पिला दो, तो आधा प्रेस क्लब खाली हो गया। लेकिन मेरे भाई ने जो कॉफी लाकर दी, कमाल कर दिया, इसी वजह से बोल पा रहा हूं। सैल्यूट आपको। 3 दिन से कोई रात ऐसी नहीं जिसमें पूरा सो पाए हों, दिन में यात्रा रात में काम अपना, लेकिन उस कॉफी की वजह से ये पंक्तियां बोल पाया हूं, आभार आपका। ये तो यहां होना वाजिब है मुरली जी, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में लेफ्ट की उपस्थिति मुझे आप भी अगर सामने होते ना, तो कवि सम्मेलन का जो आनंद आया वो 4 गुना हो जाता।
मैं सच कह रहा हूं आपको, चार गुना हो जाता। अब की बार जब व्यवस्था करो तो लेफ्ट का इधर बिठाओ, सबको आनंद बढ़ेगा, माइक वाला लेफ्ट में रहेगा। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान से दीपिका माही को सुना तो ये माइक वाले ने सुना। यार अभी अभी एक घटना घटित हुई, मैं तो केवल चार पंक्तियां कहता हूं। किसी ने ये कहा कि जो दो राष्ट्र युद्ध कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्र युद्ध कर रहा है, उसमें भारत की भूमिका गलत है। मुझे पता नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के इस शहर में पहली बार हूं, हवा में कितना बदलाव आया मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप सबकी उपस्थिति मुझे बताएगी कि मैं क्या सच कह रहा हूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जब भी कोई वक्त पड़ा तो भारत ने इतिहास गढ़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब से देश बड़ा है। यहां आपकी तालियों की मुझे अपेक्षा थी, माफ करना। जब भी कोई वक्त पड़ा तो भारत ने इतिहास गढ़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब से देश बड़ा है, हर मजहब से देश बड़ा है। फिर भी तालियां नहीं आई आपकी, मैं फिर पढ़ूंगा। जब भी कोई वक्त पड़ा तो भारत ने इतिहास गढ़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब से देश बड़ा है। बहुत बढ़िया। भारत उनके साथ नहीं है जिन्हें नशाए कौम चढ़ा है। भारत उनके साथ नहीं है जिन्हें नशाए कौम चढ़ा है। मानवता का प्रहरी भारत इज़राइल के साथ है। बहुत बढ़िया। मैं जो पंक्तियां लिखकर लाया था, जो सबसे पहले मुझे बोलनी थी, वो काम मुन्ना ने कर दिया। सब जान गए कि ताजमहल नहीं, अब दुनिया में राम मंदिर की वजह से देश को जाना जाएगा। लेकिन मैं भी मेवाड़ से आया हूं, मैं भी सूर्य वंश का बेटा हूं, मुझे लगता है कि मुझे उससे आगे की बात करनी चाहिए। पंक्तियां सुनिएगा, चौथी पंक्ति पर आते आते मुझे तासीर समझ में आ जाएगी कि सामने बैठे लोग मुझे किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा तालियां मांगना आता नहीं, जिस तरह से लोग मांग लेते हैं, मैं कोशिश करता हूं, अपनी पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है। अपनी भावनाओं को मेरी पंक्तियों के साथ थोड़ी गति देना। मैं किसी, यहां पर अगर राजनीति के लोग बैठे हों, ये प्रेस क्लब का कार्यक्रम है, मैं भी पत्रकार जगत का एक सदस्य हूं, 25 साल से राजस्थान का एक्रेडिटेड पत्रकार हूं, इस नाते मेरे समाज के समक्ष खड़ा हूं। यहां अगर राजनीति के लोग बैठे हों तो अपना चोला उतार दें, अपना लबादा उतार दें, फिर मेरी बात को सुने। निवेदन करता हूं, सुनिएगा, सुनिएगा, सैल्यूट आपको। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है, अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। जय हो यार, धन्य कर दिया आपने, सच कह रहा हूं। जय हो दादा, सैल्यूट आपको। इतना पीछे नहीं बैठना चाहिए आपको, देश को आगे बढ़ना है तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुनिएगा। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है, अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। पंक्तियां सुनना, सच कहूं तो मेरे साथ होना, और ध्यान से सुन लेना। मुझे केवल देशभक्तों की तालियां चाहिए, मैं फिर पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं।
स्वागत। मुझे केवल देशभक्तों की तालियां चाहिए। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है, अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है। अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। अमर तिरंगा लाल चौक से चांद तलक फहराया है। अमर तिरंगा रोको, अमर तिरंगा लाल चौक से चांद तलक फहराया है। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बब्बर शेर बिठाया है। जय हो, जय हो। जय हो। मैंने कहा था कि राजनीति का लबादा उतार देना। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बब्बर शेर बिठाया है। बर्बरता को बर्बरता की भाषा में समझाया है। पिछले दिन मैं कश्मीर गया सर। मैं सेना के कैंपस में जाता रहता हूं। मुझे विगत 10 वर्षों से सेना में जाकर, जीरो लाइन पर जाकर, विभिन्न बटालियन में जाकर कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त है। 68 मंचों पर मैंने देश के सैनिकों को सामने बिठाकर खड़े होकर इस तरह से कविता सुनाई। ये मेरा सौभाग्य आपके आशीर्वाद से फलित हो। जय हो। एक ब्रिगेडियर सर ने जब मुझसे पूछा कि आप कविता सुनाते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा सर छोड़िए, मैं तो लिखता ही आपके लिए हूं, तो आपको सुनाऊ मुझे तो अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताइए कि लगभग 9 साल से आपको कैसा लग रहा है? यार उन्होंने जो उत्तर दिया ना, मैं निवेदन करता हूं सुनिएगा। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाया है। अब लगता है देश राग में वही रखो। अब लगता है देश राग में वंदे मातरम गाया है। अमर तिरंगा लाल चौक से चांद तलक फहराया है। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बब्बर शेर बिठाया है। बर्बरता को बर्बरता की भाषा में समझाया है। सेना को सैनिक वर्दी का स्वाभिमान लौटाया है। मंदिर तो मंदिर है, केवल मंदिर नहीं बनाया है। केवल मंदिर नहीं बनाया है। हमने हिंदू राष्ट्र यज्ञ का फिर भगवा लहराया है। मुझे ज्यादा बड़े तूफान की अपेक्षा थी। और यार हमने काम किए ना, मैं याद दिलाता हूं सिर्फ, सुनिएगा। नीर क्षीर से झूठ सत्य का सार निचोड़ दिया हमने। पूरा ग्रंथ में पृष्ठ प्रतिष्ठित फिर से जोड़ दिया हमने। नीर क्षीर से झूठ, 3.5 पंक्तियां बोलूंगा। नीर क्षीर से झूठ सत्य का सार निचोड़ दिया हमने। पूरा ग्रंथ में पृष्ठ प्रतिष्ठित फिर से जोड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के छल छंदों का भंडा फोड़ दिया हमने। कुटिल छंद के छल छंदों का भंडा फोड़ दिया हमने। अरे वक्ष मौत से टकरा कर भी ढांचा। उन शहीदों को याद करना जिन्होंने गोलियां खाई थी उस समय। एक सरकार थी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कभी राम का महल खुले, उस मंदिर के कपाट खुले, तो हमारा देश दीपक जलाकर उत्सव मना रहा होगा। लेकिन उन शहीदों को मत भूलना जिन्होंने उस दौर में छाती को आगे करके गोलियां खाई साहब। अरे वाह 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 योगेन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काली मां की छातियों पर ज्योति की ज्वाला जला दी। मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी। है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, राम की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। वाह वाह वाह। एक और ऐतिहासिक काम किया, 5 अगस्त मुझे याद आता। मैं उस दिन हिंदुस्तान में नहीं था,
हिंदुस्तान के बाहर जहां था, मुन्ना सुनो, हिंदुस्तान के बाहर जहां था कुछ कश्मीरी भाई मेरे समक्ष बैठे थे। जब घटना घटित हुई मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि एक न्यूज आई है पत्रकारों के ग्रुप में, तो मैंने चार पंक्तियां लिखी। 5 अगस्त की घटना याद करना जब इतिहास बना था, कलुषकृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। कलुषकृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। मेरे भिलवाड़ा का एक व्यक्ति है जो उस खेमे में काम करता है जिसमें जिसके सांसद साहब बैठे हुए हैं, निवेदन कर रहा हूं सुनो। कलुषकृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी धूल को पल में झाड़ दिया हमने। अरे गांव गली तक अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह 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 योगेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता लग गया कि आप क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि जो पंक्तियां मैंने पढ़ी है ना, उन पंक्तियों पर जो आपने आशीर्वाद दिया है, मुझे पिछले 3 साल में याद नहीं आता कि इतना आशीर्वाद किसी और मंच ने इन पंक्तियों पर मुझे प्रदान किया। बहुत आभारी हूं आप। बहन मेरी सुन रही, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना आशीर्वाद दे रही है, वरना गलतियां हमारी रही, हम दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। जब एक उंगली सामने करता हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा करती है कि कहीं तुम अपने को टटोलो। लेकिन मैं आज स्वाभिमान पढ़ता हूं, समय मेरे पास कम है। मुझे कहा भाई साहब ने, जैसा दुबे जी ने, और ये जो सुरेंद्र दुबे जी जो संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का सारा व्यवस्था, उन्होंने हम लोगों को बुलाया यहां पर। ये एक बार हास्य कवि के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। एक सूचना आपके पास नहीं है जो मैं देना चाहता हूं। देश के सारे राज्यों में कवि समाज का ऐसा कोई कवि, ऐसा कोई बेटा नहीं है जितना प्यार छत्तीसगढ़ दुबे जी को करता है। वैसा कोई कवि नहीं है जो अपने प्रदेश का इतना प्यार पाता है। और मुझे आश्चर्य है, आवाज कम मत करो इसकी, मुझे आश्चर्य है कि आप केवल एक हास्य कवि के रूप में दुबे जी को जानते हैं। पिछले वर्ष मैंने मेरे मेवाड़ में दुबे जी को बुलाया, इनका काव्य पाठ चल रहा था। एक DYSP साहब यहां बैठे थे, जैसे बिटिया बैठी है। जब वो कविता पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों से धारा फूट रही थी। आज वो DYSP साहब जोधपुर में पोस्टेड हैं। मैंने आज दुबे जी की बात करवाई, बात करते करते भी दोनों रो दिया आज। ये आंसू का भी कवि है जिसको आप डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के नाम से जानते हैं। कोई बेटा इतना प्यार नहीं पाता जितना ये प्राप्त करते हैं। सुनिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, देश की पंक्तियां पढ़ता हूं। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है। मैं एक कविता पर आना चाहता हूं, एक कविता विशेष, जो मेरा संकल्प है कि मैं उस कविता को जरूर पढ़ूंगा। वहां पहुंचने के लिए अपना सफर तय करता हूं। मेरे संकल्प की कविता है, एक बड़ी चिंता है जो मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। आज लगता है कि मैं ऐसे युवाओं के समक्ष खड़ा हूं जहां उस कविता का पाठ होना लाजमी है। मैं आपको एक बार स्वाभिमान से जोड़ना चाहता हूं और वहां पहुंचना चाहता हूं। सुनिएगा, मुझे हौसला दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा। मुझे पता है कि आपने सारे विषय सुन लिए हैं, इसलिए मुझे उतनी तन्मयता से नहीं सुन पाएंगे। जितनी तालियां आपने दूसरे कवियों को दे दी, मेरे लिए शेष नहीं बची है। फिर भी कोई बात नहीं, आप ताली न भी बजाएंगे तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद मुझ तक आंखों से भी पहुंचा तो मैं धन्य महसूस करूंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, और अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वंश शोभित है,
जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये कश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश्तक भारत माँ की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन गलतियां हमारी रही। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, 527 की शहादत करगिल के युद्ध में हुई। प्रतिवर्ष हम केवल आतंकवाद को रोकने के लिए लगभग इतने लाल बलिदान कर देते हैं। माफ करना, मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां घर घर में शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी जाती तो मुंबई पर हमले की हिम्मत वो शैतान नहीं करता। पंक्ति चौथी पंक्ति पर चाहता हूं आशीर्वाद मिले। मुंबई पर हमले की हिम्मत वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। आभार। इक्यासी हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, 54% कश्मीर पर विदेशियों का अधिकार है। ये जो नक्शा हम देखते हैं ना, भ्रम है, ये नक्शा केवल दिखाने का नक्शा है। माता बहनों की इतनी रात में 12 बजे उपस्थिति देख रहा हूं, मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे देश की बेटियां देश को सुनने के लिए रात को 12 बजे भी आकर बैठती हैं। और कहा भी करता हूं मैं, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली, इस देश को आजादी, सैल्यूट है आपको, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली, इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली, इस देश को आजादी मिली तो ऐसी माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माँ की छाती पर न्योछावर कर दी। दो पंक्तियां पढ़कर अपनी बात का शुभारंभ करता हूं। 2 बार दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है, हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 54% जमीन पर विदेशियों का कब्जा। एक सांसद महोदय की उपस्थिति यहां पर है जिनसे मैं पहली बार मुखातिब हूं, पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आवाज में इतनी ताकत नहीं कि दिल्ली के द्वार खटखटा सके, लेकिन आपके माध्यम से इस आवाज को दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं। 46% कश्मीर हमारे पास है, 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हैं। मैं अपनी बात आरंभ करता हूं, 2 पंक्तियां पढ़कर देखना चाहता हूं कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर मुझे पता लग गया कि 2 पंक्तियों के बाद आपका मन नहीं है तो वहां जाकर बैठूंगा, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। आभार। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कह दिया, मैं उन्हें चित्र द्वारा समझा देता हूं। एक शब्द चित्र बताता हूं, सुनिएगा। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो
और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुलाड़ी है मेरे कुल की मेरे वंश की औलाद है। ये हत्ता अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं पाती। सुनिएगा पंक्तियां सुनाता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है जिस धरती पर लोह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। आपने तो आनंद को 10 गुना कर दिया। उजियारे की उत्कंठा थी हरदीपक हर बाती में कितने घाव किए हमने ही भारत माँ की छाती में क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया कितने गाफिल निकले हम वो घर में घुसकर मार गया कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर जिस डाली पर बैठे थे हम उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी। यार इसे एक पंक्ति पे मेरे साथ हो जाया करो। मैं बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहा हूं अगर इस पंक्ति पर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं निराश हो जाऊंगा और मैं निराश जिस दिन हो गया मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। भारत को भारत की धरती जीवन में कभी वापस नहीं मिल पाएगी। माफ करना इस पंक्ति के साथ हो जाना। क्यों हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से अंग्रेजों को धूल चटा दी 86 की तलवारों से जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें कवि सम्मेलन को महोत्सव बना दिया आप 2-4 लोग क्या बैठे हैं यहाँ पर देश के दीवाने लोग हैं यार इनके लिए तालियां होनी चाहिए प्रत्येक अच्छी बात पर इनकी तालियां आई सैल्यूट आप। कभी गुलामी की जंजीरें कभी घात प्रतिघात सहे 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं इंच इंच कट गए युद्ध में शीश हमारे झुके नहीं। सर आपने ताली बजा दी लेकिन सबको पता नहीं है 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए 1 हेमराज का मस्तक लौट कर हिंदुस्तान नहीं आया। ताली का विषय नहीं हेमराज का मस्तक लौट कर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया तो वो मां अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठी 5 दिन तक अनशन करती रही। मेरे पत्रकार भाई बैठे एक संवेदनशील पत्रकार उस मां के पास पहुंचा मां
जब तुमने अपने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, क्या आवश्यकता उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि मैंने जिस दिन बेटे को वर्दी पहना दी उसके प्राण मैंने देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके माथे को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था, पत्रकार ने कहा, माँ उस सैनिक का मस्तक तुम्हें मिल जाएगा, बेटे का मस्तक तुम्हें मिल जाएगा तो क्या कर लोगी? माँ का जवाब सुनना यार। माँ ने कहा, बेटा अरे उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अरे अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े हो तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, अरे समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। एक पंक्ति को और हिम्मत देना, एक पंक्ति को और संबल देना। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियों में आपसे ऐसी विदाई चाहता हूं। परसों मुझे राम मंदिर से राम राज्य की ओर कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, आपसे ऐसी ऊर्जा लेकर जाना चाहता हूं कि वहां जाकर इस जुबान से 2 शब्दों का उच्चारण कर सकूं। निवेदन करता हूं, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, यहां इसलिए पढ़ रहा हूं साहब, जिनका पौरुष मर जाता है, अक्सर ऐसे मंच भी मिलते हैं मुझे जहां इस कविता को सुनाने का मन नहीं होता, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, कविता संकेत में बात करेगी, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं, कविता संकेत में बात करेगी। आपको कविता की समझ रखने वाले लोग केवल मेरे साथ हों, केवल कविता की और ध्यान रखना, अगर कोई गलती से भी कोई देश विरोधी तत्व फंसा हुआ हो माफ करना, मुठ्ठियां भींच लेना, मुझे एक भी ताली दी तो मेरी कविता दागदार हो जाएगी, माफ करना मुझे, बिल्कुल ताली मत बजाना, निवेदन कर रहा हूं। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो, वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भल करो, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। अब होने लगा है, 8 साल हो गए मुझे, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो, कौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो, कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो, चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो।
यार अगले वर्ष की इबारत में चार पंक्तियां पढ़ के यह देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कितने लोग हैं 140 करोड़ लोगों में से। मैं केवल आपके सैंपल से पता कर लूंगा, लेकिन इन चार पंक्तियों का पाठ करते हुए मुरली जी एक मिनट के लिए बैठ जाइए। चार पंक्तियां पढ़ते हुए एक शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा धारण करता हूं, इस सदन का एक भी हाथ खामोश रहा तो आज के बाद जीवन में किसी मंच पर इन चार पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बड़ा संकल्प ले लिया मैंने, लाज रख लेना, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। रोको, यहां नहीं चाहिए मुझे, पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति पर आने के बाद एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे, भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। अरे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे, पीओके में। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है भारत माँ का मस्तक हमको। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आप जा रहे हैं तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। अच्छा आप पधारे, कोई बात नहीं, मैं दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जो शेष बचा हुआ समय, हालांकि इन्होंने जो मुझे कहा था उससे मैंने चार पांच मिनट ज्यादा ले लिए, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं श्रद्धेय दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। उनके बारे में जो कुछ भी मैं उनका आह्वान करने के लिए कहूंगा तो आप कहेंगे कि तुम क्या जानते हो कवि, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। केवल एक गुजारिश करता हूं, आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक बार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करने के लिए अपने हाथ आकाश के फिजाओं में उठा दीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील कर लीजिए। मैं चाहता हूं मेरी आवाज नहीं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुरेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करे, बहुत जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सुरेंद्र।